सोते हैं कब तक सोते रहेंगे। अरे मामा जी देखिए मैं पूरा श्रृंगार करके आ गई हूँ और आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार होकर आई हूँ क्योंकि आपके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है अब है सब कुछ तहे बकरिया तुसा ला बह बनिए को
तुम्हारे लिए पूरा श्रृंगार करके आई हूँ। अब सामान खोले बैठ के देखिए। मामा जी आइए, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, आइए ना। हम बुढ़िया, हम प्यार काबिल हैं ना। बुढ़िया हम बता बोला बोला मामा जी। अरे हम क्या करते हैं मोहित जी? मामा जी अब भाई ताजिया बताई दे तुम चाहते। बहुत हरामी है बेटिया, हम बताए दे। हाँ, तुम बैठ जाओ, हम बताए दे। तुम बैठ जाओ, देखो। हाँ बैठ जाओ, हाँ तुम्हें मिलवा देंगे, बस बैठो बिटिया। क्या कहते हो? हम बात बिटिया यहाँ आओ तो बताइए। हाँ बताइए। देखो जैसे पहले जाओ इधर हो जाओ तो बताएगी भाई। अच्छा हाँ, तो आप उधर को खेलिए मुँह। अभी देखिए एक और दो। अरे बहू चुमता कहते हमारी गुस्सा हुई है, नाराज हुई है। कहिए मामा जी, हमने तुमसे ऐसी कोई बात ना कही, तुम्हारी कल्लौटी पर आई। क्या कहा? कोई बात हमने तुमसे ना कही, तुम नाराज हो, हमारी गुस्सा हो जाती है बिटिया। तो ये कहा है हमारे पति महाराज? बताएंगे। राजा ने हमसे कहते गए हैं कि मामा जी हमने आज तक बछेड़े की रक्ता नहीं देखे। जी हाँ, आप हमारी प्यारी रानी मोदिनी को अपने जहाजे के ऊपर साथ में बैठा कर लाओ, हम जाते हैं बछेड़ा से। अच्छा, बछेड़ा की रक्ता देखे हैं, इसमें बछेड़ा में कितनी रक्ता है कितनी नहीं। तो आप ऐसा कीजिए हमारे जहाजे के ऊपर बैठ जाओ, हम आपको राजा मिल बैठे थे मज मिलवा देंगे। ठीक है चलिए। हाँ ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, हम मिलवा देंगे राजा अवसर। इधर इधर समझने वाली बात है दोस्तों की लंगर झंगर कुमार जहाजी आज आपस में सलाह करके कि ये रानी मोदिनी दानी की कन्या है, अगर ये दानीमगढ़ में और दर्शनपुर में अगर कोई भी इसको व्यक्ति अपनी रानी बना के दर्शनपुर मेडिकल चली जाएगी अपने वतन दानीमगढ़ के लिए, आज इसको हम कहां बेचेंगे? यानी सगे ससुर सगी बहू को ले जाकर राजा प्रथम के दरबार में, देश नरवर में जहां राजा प्रथम का दरबार है। किस तरीके से बजा मास्टर? आज चलते हैं पांचों बनिए। किस तरीके से जाते हैं दोस्तों, समझने वाली बात है। हमारे